पिछले दिनों कुशीनगर में बगैर किसी पूर्व सूचना के प्रशासन द्वारा हटाए गए अतिक्रमण पर जनता ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। बगैर किसी पूर्व सूचना के ताबड़तोड़ घरों के ओटलों को बेदर्दी से तोड़े जाने पर पीड़ित लोगों ने पुलिस थाना कुक्षी में SDM के नाम ज्ञापन सौंपा। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्यवाही करने की मांग की है। मांग नहीं माने जाने पर भविष्य में बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई। SDM की अनुपस्थिति में ज्ञापन तहसीलदार सुनील डावर ने लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया। कुक्षी से महेंद्र कन्नौज की रिपोर्ट। वो समस्त कार्रवाई नगर परिषद ने अपनी ओर से अपने द्वारा आदेशित करके नहीं की, वरन पूरी कार्रवाई अनुभागीय अधिकारी राजस्व इनके मार्गदर्शन में, इनके निर्देशन में, इनकी उपस्थिति में और इनके द्वारा निर्देशित करने के पश्चात ही ये संपन्न की गई। और इस कार्रवाई में समस्त पुलिस अधिकारी और समस्त विभागों के अधिकारी SDO PWD IDS और इरीगेशन, उसके पश्चात नायब तहसीलदार सब उपस्थित थे। और JCB की जो व्यवस्था हुई थी वो समस्त वाहनों की व्यवस्था नगर परिषद द्वारा नहीं की गई थी, ये SDM साहब द्वारा थाने पे एकत्रित की गई थी। और नगर पालिका के जो वाहन से उनको भी नगर पालिका से थाने में लाने के निर्देश SDM साहब द्वारा दिए गए थे। और उनकी उपस्थिति में, उनके निर्देशन में अतिक्रमण की कार्रवाई संपन्न हुई। नगर परिषद पे निराधार आरोप है। नगर परिषद द्वारा अपनी तरफ से किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। नगर परिषद ने जो चुने की लाइन डाली थी उसमें नागरिकों ने, व्यापारियों में अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए स्वयं ही शेड हटा लिए थे। और मेरे वो जो अतिक्रमण मुहिम चलाई गई हमारे जो पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई है उसी के खिलाफ हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये रही है कि या तो अतिक्रमण मुहिम निष्पक्ष होकर की जाए, अगर गवर्नमेंट का सर्कुलर है उस हिसाब से, और अगर निष्पक्ष नहीं की जाती तो पक्षपात पूर्ण तरीके से बिल्कुल भी नहीं की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो CMO साहब है और जो और अन्य अधिकारी उन्होंने पक्षपात पूर्ण तरीके से यहाँ पे अतिक्रमण की कार्रवाई को अंजाम दिया है। और हमारी यही निवेदन है कि वो पक्षपात को हटाए, निष्पक्ष हमारे साथ आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना